केंद्रीय लघु सूक्ष्म मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर आरोप, देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की पार्टी ने आरक्षण का बीपी सिंह के सरकार में विरोध किया था, जबकि अब आरक्षण का दिखावा कर रहे हैं। विदेश में जाकर राहुल गांधी देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। जो स्कीम बनानी है, जिस तरह की असिस्टेंस देनी है, और मुझे आशा है कि एमएसएमई मंत्रालय का सहयोग मिलेगा और राज्य सरकार भी एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत सत्यानंद भोक्ता जी का आपके पास। माननीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार सुश्री शोभा करंदलाजे, मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूँ आपके उद्गार अभिव्यक्ति एवं मार्गदर्शन। रिक्टिक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से हैं श्री बलवंत लाल सुमन, और उसके बाद हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, तो इसीलिए वो आरक्षण के मामला को बात टूल पकड़ के चलने की बात करते हैं। 60 वर्ष तो वो भी रहे हैं, उनके ही सरकार रही है, उस समय आरक्षण की क्या स्थिति रही है। बाबा अंबेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर आरक्षण की समीक्षा की जाए, 60 वर्ष में कम से कम 6 बार तो समीक्षा करना चाहिए था, तो एक बार वो किए नहीं, तो अब वो क्या कर रहे हैं। इधर जो भी करना होगा नरेंद्र मोदी जी करेंगे, वो चिंता न करें, और बाहर जा कर के अपनी बात वो कहते हैं, ये एंटी नेशनल बात वो करते हैं। सर, मंडल आयोग का उन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी का समर्थन वापस लिया। यही तो देखिए, दो डबल चेहरा है, इधर मुड़ा दीजिए तो कुछ और इधर मुड़ा दीजिए तो कुछ, वो बहुरूपिया के रूप में है, इसीलिए भारत की जनता उनको क्या चाह रही है समझ रहे हैं, और उसमें भी यहाँ ना बोल के बाहर में वो बोलते हैं, तो मैंने घर की बात बाहर को करना, हम समझते हैं ये राष्ट्रीयता नहीं है, ये एंटी नेशनल मूव उनका है। कि भारत की बात, घर की बात बाहर अगर कोई करता है तो घर का दोस्त नहीं होता है वो, चाहे जितनी बात आप अलग अलग कहते हैं, सबका सारांश यही है कि घर की बात घर में होनी चाहिए, बाहर अगर करते हैं तो घर का वो दुश्मन है, यानी कि एंटी नेशनल काम वो कर रहे हैं। बस चलिए, मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।